Hello students, how are you all? Today we will learn subject English from standard 3rd English medium. So students, last video lecture में हमने page number 98 और 99 पर जो activities थी वो हमने पढ़ी थी. आज हम page number 100 पर जो story दी हुई है वो हम देखने वाले हैं. Story का नाम है The Sheep of the Desert. Sheep of the Desert, जिसका meaning है रेगिस्तान का जहाज. रेगिस्तान का जहाज, desert का meaning है रेगिस्तान. Sheep का meaning है जहाज. देखते हैं क्या story में. लायन से इज रोरिंग, हु आर यू. लायन होता है वो रोर करते हुए, दहाड़ते हुए कहता है हु आर यू, तुम कौन हो. कैमल से इज लुकिंग डाउन एट द लायन. लायन की तरफ देखते हुए जो कैमल है, जो ऊँट है, वो कहता है आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू. तो कैमल है वो उसे आंसर देता है कि मैं तो रेगिस्तान का जहाज हूँ, लेकिन तुम कौन हो. लायन से इज डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो लायन कहता है कि डोंट यू नो मी, तुम मुझे नहीं जानते क्या. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ. फॉरेस्ट का मीनिंग है जंगल, किंग का मीनिंग है राजा. तो जो लायन है वो कहता है कि मैं तो जंगल का राजा हूँ. कैमल सेज आर यू, ओ आई सी. तो कैमल कहता है कि ओ आर यू, कि तुम हो, आई सी. लायन फ्रोनिंग, यू कॉल योर सेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शीप, यू आर एन एनिमल. तो जो लायन है वो कहता है कि यू कॉल योर सेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट, तुम अपने आप को के रेगिस्तान का जहाज कहते हो. हाउ कैन यू बी अ शीप, तुम कैसे एक जहाज हो सकते हो रेगिस्तान के. यू आर एनिमल, तुम तो एक एनिमल हो. कैमल से स्माइलिंग, हंसते हुए कहता है सो आई एम, क्योंकि मैं हूँ. बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट, आई वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बर्दन मी. तो यहाँ पे जो कैमल है वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं तो हूँ क्या, बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट, जो लोग हैं वो मुझे जंगल जो रेगिस्तान है उसका जहाज कहते हैं. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. तो जो कैमल है वो कहता है कि मैं तो जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, उसमें आफ्टरनून जब बहुत ही दोपहर का टाइम होता है, जब बहुत ही धूप होती है, तभी मैं रेगिस्तान में चल सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बोधन मी. और जो गर्म रेत होती है, सैंड का मीनिंग होता है रेत, तो जो गर्म रेत होती है वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती. बोधन का मीनिंग होता है परेशान करना. तो ये जो कैमल है वो कहता है कि मैं दोपहर का जो टाइम होता है जिसमें बहुत धूप है, उस वक्त भी जो रेगिस्तान है उसमें चल सकता हूँ, और जो गर्म रेत होती है वो भी मुझे बोधन नहीं करती, परेशान नहीं करती. लायन सेज आई कैन बिलीव इट. तो लायन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा. कैमल सेज ओ यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम डेजर्ट जो रेगिस्तान है उसमें चल सकते हो. लायन ब्लिंकिंग, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. तो लायन जो होता है वो ब्लिंक करते हुए कहता है, आंखें पटपटाते हुए कहता है कि नो आई कांट, मैं नहीं कर सकता, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं जंगल के अंदर दौड़ सकता हूँ. कैमल विथ डिजाइन, एवरी एनिमल कैन डू डैट, आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, आई कैन रन ऑन द सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर. तो जो कैमल होता है वो कहता है ये तो जंगल के अंदर दौड़ना वो तो सब कर लेते हैं, सारे एनिमल कर सकते हैं. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन मैं अकेला ही ऐसा एनिमल हूँ जो सैंड पे, रेत पे चल सकता हूँ. आई कैन रन ऑन द सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, में जो रेत होती है उस पर एक कवर, एक घंटा होता है उसमें मैं 25 किलोमीटर्स तक मैं चल सकता हूँ. लायन वंडरिंगली, एकदम आश्चर्य से कहता है हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. आगे स्टोरी में देखते हैं फिर क्या होता है. कैमल सेज लुक एट माई फीट, कैमल कहता है मेरे फीट देखो, मेरे पैर देखो, दे आर थिक एंड पैडेड. मेरे पैर कैसे एकदम थिक, मोटे से और पैडेड, मिस के गद्देदार है. द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, और जो गर्म जो सन, जो सूरज होता है वो उसे जला नहीं सकता, बर्न नहीं कर सकता. लायन सेज माई फीट आर पैडेड टू, तो लायन भी कहता है मेरे भी पैर गद्देदार है. थॉर्न्स डोंट प्रिक देम, जो थॉर्न्स जो कांटे होते हैं वो उसे लग नहीं सकते. एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं घंटे के अंदर 80 किलोमीटर्स तक रन कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ. कैमल सेज दैट इज ट्रू, हाँ वो सच है. यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड. तो जो कैमल होता है वो कहता है वो बात सही है, लेकिन तुम जंगल के अंदर 80 किलोमीटर आवर्स चल सकते हो, एक घंटे के अंदर 80 किलोमीटर्स चल सकते हो, लेकिन क्या तुम हॉट सन, जो गर्म हॉट सैंड, जो गर्म रेत होती है, उस पर माइल तक भी चल सकते हो तुम. लायन सेज मे बी नॉट बट, तो लायन होता है वो कहता है मे बी, लग वो जो लायन होता है वो कहता है
मे बी नॉट कैमल इंटरप्टिंग, तो कैमल उसे बीच में अटका कर कह देता है एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू, तो कैमल कहता है कि और तुम एक वीक तक पानी के बिना रह सकते हो। लायन सेज नो आई कांट आई नीड वाटर एवरी डे, तो लायन कहता है नो मैं नहीं रह सकता मुझे पानी रोज चाहिए, बट डोंट टेल मी कैन यू डू विदाउट वाटर, तो जो लाइन कहता है कि मैं पानी के बिना नहीं रह सकता मुझे पानी हर रोज़ चाहिए, लेकिन मुझे मत कहना कि तुम रह सकते हो पानी के बिना। कैमल सीज यस आई कैन, तो जो कैमल होता है वो कहता है कि हाँ मैं रह सकता हूँ, देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, तो जो कैमल होता है वो कहता है कि हर जो डेजर्ट है उसके अंदर लेक्स भी नहीं होती, रिवर्स नदियाँ भी नहीं होती, बट दैट डज नॉट बोदर मी, लेकिन वो मुझे परेशान नहीं करती, आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक ही बार में 200 बॉटल्स इतना पानी में पी सकता हूँ। लायन सेज रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तुम्हारा तो बहुत ही बड़ा पेट है। कैमल सेज यस प्राउडली, एकदम गर्व से कहता है यस आई हैव अ बिग स्टमक, मेरा बहुत ही बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते के लिए पानी को स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फॉर फूड फॉर 2 weeks इवन, तो जो कैमल हो रहा है और कि जो कैमल है वो कहता है कि मैं फूड जो है खाना है उसे दो हफ्ते तक उसे अपने पेट में स्टोर कर सकता हूँ। लायन सेज शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लायन बहुत ही इंटरेस्ट बताते हुए दिखाते हुए कहता है डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम खाना अपने पेट में स्टोर करते हो। कैमल सेज नो आई डोंट, नहीं पेट में नहीं, आई स्टोर इन माई हम्प, मेरा जो हम्प है मेरी जो पीठ है वहाँ पर मैं स्टोर करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट अ वन टाइम, और मैं बहुत सारा खाना एक ही बार में खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉर्टनाइट, तो जो कैमल होता है वह कहता है कि मैं एक ही टाइम में बहुत सारा खाना खाता हूँ तो उसके बाद मुझे 15 दिन तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लायन सेज दैट्स इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट व्हाट डू यू ईट, तुम खाते क्या हो। कैमल सेज आई ईट लीव्स, बट देर आर नो लीव्स इन द डेजर्ट, जो कैमल कहता है आई ईट लीव्स, मैं पत्तियाँ खाता हूँ लेकिन यहाँ पर डेजर्ट में तो पत्तियाँ है ही नहीं। लायन सेज व्हाट डू यू ईट देयर, तो तुम क्या खाते हो फिर। कैमल सेज देर आर थ्रोनी बुसीज इन द डेजर्ट, आई ईट द थॉर्न्स, द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, तो जो कैमल है वो कहता है कि यहाँ पर थ्रोनी बुसीज, जो बुसीज मतलब छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है कांटे वाली, उसको थ्रोनी बुसीज कहते हैं, तो क्या मैं वो थ्रोनी बुसीज खाता हूँ और उसके जो कांटे हैं वो भी मुझे जीभ पर नहीं लग सकती, टंग जो है वहाँ पर नहीं लग सकते क्योंकि मेरी जो टंग है वो थिक है, मोटी है। लायन सेज हाउ फनी, कितना फनी है ये, तो कैमल सेज मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी टू अ डेजर्ट, तो क्या कैमल कहता है क्या मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के राजा क्या तुम आप मेरे साथ आओगे। लायन सेज नो आई वुड बेटर नॉट, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर सिप ऑफ द डेजर्ट, तो लाइन कहता है नो कि मैं नहीं कर सकूँगा, ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं तो बर्निंग जो गर्म रहती हूँ उस पर चल नहीं सकता, मैं अपना खाना स्टोर नहीं कर सकता, नहीं मैं थॉर्न्स या जो कांटे वो खा नहीं सकता। तो जो राजा है वो कहता है गुड बाय गुड लक मिस्टर सिप ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान के जहाज, तो ये थी स्टोरी लायन और कैमल के बिचकियों के। सो स्टूडेंट्स आज हमने स्टोरी देखी सीप ऑफ द डेजर्ट, ओके इसके बाद की जो न्यूवर्स है और उसके आगे की जो एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर।